आज तक के आप देखिए ये पितृ सफारी के अफसाने से माखूज है जिसे हमारे दोस्त और अच्छे राइटर अरशद चहाल ने लिखा और साबिर खान ने इसकी हिदायत दी है। तो आइए खेल देखते हैं। मैं एक मियां शुक्रिया और फर्मा बरदार अपनी बीवी रोशन आरा को अपनी जिंदगी की हर बात से आगाह करना असूले जिंदगी समझता और हमेशा इस पर कार बंद रहना। खुदा मेरा जहन बखैर मजाल है जो इसकी रखी हुई कभी भी कोई चीज मुझे मिल जाए। ये देखो ये घर को हशर नशर करके रख दिया। मजाल है जो इसकी रखी हुई चीज कभी मुझे मिल जाए। लो भला कर लो बा। अब एक सरोता ढूंढने के लिए क्या मुझे पूरा घर छानना पड़ेगा? हाय कम बहुत मारे अब पीछे तुझे कितने पट्टे पकड़े दूर आकर उसे क्या तलाश कर रही है बेगम साहबा? हाय हाय रमजू घर का मुलाज ही बहुत तो तेरे जैसा अदा बन जाए। अरे एक बात तो बता जी। अरे कब बहुत मारे ये तो घर की चीजें कहाँ छुपा कर रख देते हैं? ये सरोता तलाश कर रही है। और कितनी रफ्तार तलाश कर रही हूँ? आप तो ऐसी परेशान हो जाती है बेगम साहबा। ये देखिए ये पड़ा हुआ है सरोता बाल्टी के ऊपर। ये लो कर लो बात। एक बात तो बता जी। ये सरोता क्या बाल्टी में रखा जाता है जो तूने रखा है? वो बात ये है बेगम साहबा, ये मैंने कील ठोकने के लिए लिया था। लो कर लो बात। अरे तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई थी? इस सरोता तुम्हें कभी किसी ने कील ठोके जो तू चला उनसे कील ठोकने के लिए? और तुझे मैंने कितनी मरतबा मना किया मेरे सरोते को हाथ मत लगाएगा। क्यों लगाता मेरे सरोते को? आज अगर मेरे सरोते को छुआ ना तो यही सरोता तेरे सर में मारूंगी। समझे? बेगम साहब बात ये है कि वो मिर्जा साहब ने कबूतरों की जाली ठीक करने के लिए थोड़ी मंगवाई थी अभी तक वापस ही नहीं की। एक बात तो बता जी। तू घर में बैठा सारा दिन क्या चक्की चलाता रहता है? चल बहुत मारे जाके ला नहीं सकता था मनुष्य मारा चील के घोंसले में मांस। अरे उनके घर गई हुई कभी भी कोई चीज वापस आएगी सजा ले क्या? चल बहुत मारा। अच्छा बेगम साहब और सुन जी वो बासी में सब्जी लेता आई हो? अच्छा जी बेगम साहब सब्जी में क्या लाऊं आज? कद्दू 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 ले आना। अरे रमजू तुझे क्या पता शिराजी को कद्दू की भुजिया है बहुत पसंद है। वैसे एक बात है बेगम साहबा आपका दिल रखने के लिए खा लेते हैं कद्दू वद्दू पसंद नहीं है उन्हें। कम बहुत मारे मुझे कैसे पता पसंद नहीं है? पता है हमारे मामला से सफल ना निकली आज तो मनुष्य मारा पसंद नहीं है। तू मुझे एक बात तो बता इधर मुझे ये बता कि वो तेरा मियां है या मेरा मियां? हां जी मेरा बता क्या मतलब आपका मियां बेगम साहब जाहिर है उनकी पसंद और नापसंद तुमसे बेहतर जानती हूँ जी। जजा मनुष्य मारा कमबख्त हो जाता है उधर जाता है सर पे सवार हो जाता है बेगम साहब। ये चला ये बेगम साहब एकदम बहुत मारे मैं सर पे सवार हो गया तुझे किसी मतलब है दूर आकर मनुष्य चल जा। अच्छा जी बेगम साहब अब तो तेरा भी सर खोड़ दूंगी। मनुष्य कमबख्त मारा जान खा के रख दिए कभी सरोता छपाता कभी कील चले जाते हैं। बेगम साहबा तू तो बात ही नहीं आता। एक बात मैं भूल गया था। हाँ, आदाब अर्ज है।
चल भाई रोशन आ रहा, सुबह से छालिया नहीं खाई, छालिया ही खा ले सरोता का बखत भी खराब कर दिया मनहूस ने, तीर ठोकता फिर रहा उल्लू जाहिल। अरे कितनी मर्तबा कहा कि घर के लिए कोई दूसरा मुलाजिम रख लेते हैं, मगर ना मेरी कौन सुनता है, हर कोई अपनी मर्जी करता रहता है। कम बखत मारा क्या हल्के करता था। कहीं आपको नजर ही लग जाए, टीका लगा दीजिए। कौन सा? काला। नजर नहीं आएगा। मैंने कहा रोशन आ रहा, अगर एक अदद पान हमें भी इनायत हो जाए तो बड़ी नवाजिश होगी। दोस्तों की तरफ जा रहे हैं, मुंह से जरा खुशबू आती रहेगी। जी जी क्यों नहीं, दोस्तों की तरफ जाना है। हाँ। अरे गप्पे शप्पे लगानी होंगी। हाँ ना रोशन। हाँ। एक तो मैं आपके मुंह के दोस्तों से बहुत तंग हूँ, कम बखत मारे जैसे खुद मनहूस वो है वैसे ही आपको भी उन्होंने कम्मा कर दिया। मुझे एक बात की समझ नहीं आती रोशन आरा, आप मेरे दोस्तों से इस कदर चिढ़ती क्यों हैं? इसलिए कि वो मेरे घर के अमल में मुखिल होते हैं। किस तरह मुखिल होते हैं वो आपके हमारे घर के अमल में? देखो सबके सब इस कदर शरीफ तो हैं कि उनका तज़किरा बस सरे महफिल किया जा सके, और मतलब देखो ना कुछ तो अपने हुनर के तफाइल और कुछ इस खाकसार की सोबत के जेरे असर सबके सब से बेतोश है। जी जी क्यों नहीं, आपके तमाम दोस्तों की सफेद पोशी से तो हम बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। आदाब। माशाल्लाह उनकी अदा तो फसाइल तो ऐसी है। सुभान अल्लाह। कम से कम मैं जी जी एक शरीफ इंसान के लिए बस